अमेठी शुक्ल बाजार के मांज गांव पनही स्थित माँ कामाख्या भवानी सिद्धपीठ हर वर्ष की भांति इस वर्ष श्रीमद् भागवत कथा व भंडारे का आयोजन 25 मार्च से होना सुनिश्चित किया गया था, परंतु कोरोना वायरस के चलते श्रीमद् भागवत कथा को स्थगित कर दिया गया। शक्तिपीठ के पुजारी महंत श्री बाबा दीन आचार्य श्री सुरेंद्र जी महाराज सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए मंदिर के पुजारी आचार्य सुरेंद्र जी महाराज ने कहा, मंदिर की जरूरी पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। मंदिर के मुख्य द्वार को समय समय पर ही खोले जाने की बात करते हुए पूरे देश के प्रति जागरूक रहने की बात कही है। अमेठी के बाजार शुक्ल से रिपोर्टर अंकित शर्मा की रिपोर्ट। खाली का खाली पड़ा है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते थे, हजारों की संख्या में लोग जगह नहीं रहते थे। यहाँ पे आज यहाँ पे एक भी परिंदा पर नहीं मारा गया। आचार्य सुरेंद्र जी महाराज के सख्त निर्देश, माँ कामाख्या का पाठ बंद रहेगा, इसको बाकायदे बंद कर दिया गया है। माता रानी का पूजा करने के लिए केवल आचार्य सुरेंद्र जी महाराज ही माता जी के द्वार पे आते हैं। सुबह शाम वो स्वयं आते हैं, इसकी सफाई करके वो खुद मंदिर परिसर के बाहर चले जाते हैं। माता कामाख्या भवानी का ये प्रांगण है, जिसमें श्रीमद् भागवत संगीत में कथा का अनुष्ठान होता है। लगभग गत 30 वर्षों से लगातार इस कार्य को स्थगित नहीं किया गया था, परंतु इस बार मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के आदेशानुसार पूर्ण रूप से जनता कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है। ये नदी का रास्ता है, जहाँ पे जाने के लिए लोगों की कतारें लगी रहती थी, परंतु इस बार कोई भी श्रद्धालुजन को आने से मना कर दिया गया है, पूर्ण रूप से बाधित कर दिया गया है। दर्शन करने के लिए किसी भी तरीके के लिए यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया गया है। आचार्य सुरेंद्र जी महाराज ने इसको पूर्ण रूप से जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए मंदिर के पाठ को बंद करवा दिया है। नवरात्र के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, आज भी लोग आते भी हैं, तो यहाँ से वापस जाना ही उनके लिए संभव होता है। ये वीर बजरंगबली का मंदिर है, जहाँ लोगों को आना जाना बराबर लगा रहता था, परंतु पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया है, इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। ये हवन कुंड है, जहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, परंतु आज अनवरत आठों दिन नौवों दिन यहाँ पे मेला चलता रहता है, परंतु आज बिल्कुल सूखा पड़ा है। इसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाता, केवल महाराज जी ही अकेले आकर इसमें पूजा करके कपाट को बंद कर देते हैं।